राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में लाइबेरिया की राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सर्लीफ को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया तथा उन्हें 16 सितंबर तक जवाब सौंपने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में फौरन कदम उठाए और घायलों को हर सहायता मुहैया कराए। मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। इस दौरान लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आने वाले आम चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के न पहुंचने का मुद्दा भी उठा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आजम खां के साथ नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा आजम के इस्तीफे की मांग से इनकार किया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला है। बिहार में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर जनता के रुख को भांप लेना चाहिए। भारत की यात्रा पर आए जापान के वित्त मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहमति बनाने के लिए तेजी से काम करने की इच्छा जताई। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज नई दिल्ली में जापान के तोशिमित्सो मोतेगी के साथ एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को फिल्म और एनिमेशन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। भारत और जापान ने परस्पर व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान भारत में विश्व स्तरीय जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र की स्थापना करने पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि तंबाकू प्रयोग का अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स आज 215.57 अंक कमजोर होकर 19782 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62 अंक कमजोर होकर 5851 अंक पर पहुंचा। विवादित DRS सिस्टम पर ICC अधिकारियों द्वारा दुबई में होने वाली अगली बैठक में फिर से विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी तकनीक के इस्तेमाल के पक्ष में हैं, लेकिन एशेज सीरीज में कुछ विवादित फैसलों के बाद इस पर समीक्षा किए जाने की खबरें आ रही हैं।